अस्सलाम वालेकुम। आज की एक ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x3 है। 3x3 हमारे पास पहली इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 7, 4x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 9। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन 3x3 में एलिमिनेशन के जरिए करने का तरीका कार यह है कि आप इक्वेशन 1 और 2 का पेयर बनाएंगे और फिर इक्वेशन 2 एंड 3 का पेयर बनाएंगे। हमने यही किया है, पहले इक्वेशन 1 और 2 का पेयर बनाया है। इक्वेशन 1 है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन है x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 7। अब इसमें एक वैल्यू को वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब इक्वेशन तो हमारे पास 2 हो गई तो एलिमिनेट वैसे ही करेंगे, 2x2 में करते हैं। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल तो 3 है लेकिन वैल्यू हमारे इक्वेशन जो हमारे पास 2 हैं। तो अब आप उसको उसी तरीके कार के मुताबिक सॉल्व करेंगे जैसे आप सॉल्व करते आए हैं। तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 को जो है सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखें x1 को एलिमिनेट करें तो दोनों वैल्यू बराबर है, तो आप इक्वेशन 2 का सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। सब्ट्रैक्ट द होल इक्वेशन नंबर 2 और चेंज द साइन ऑफ द होल इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 को अपनी जगह एज इट इज रखेंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 रखा हमने x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 7। अब याद उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने में या पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करने में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का। x1 प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस 3x2 है तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज करें तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 2x3 इसका भी साइन चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और इक्वल टू 7, इसको भी सब्ट्रैक्ट या इसका साइन चेंज कर दें। सूरत हाल बनी x1 माइनस x1 एलिमिनेट हो गया, यही हमारा मकसद था। x2 प्लस 3x2 4x2 हुआ। x3 में से अगर माइनस 2x3 करें तो हमारे पास माइनस x3 आएगा। 2 में से माइनस 7 कर दें, माइनस 5 बचेगा। आप इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 हमारे पास है 4x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 9। जिस वहां का आप इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर रहे थे आप आजाद थे। आजान हो जाए फिर।
तो जिस वक्त आप इक्वेशन वन एंड टू सॉल्व कर रहे हैं शुरू में, उस वक्त आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, एक्स वन को एलिमिनेट करें, एक्स टू को करें या एक्स थ्री को करें। लेकिन जब आप इक्वेशन नंबर टू और थ्री को एलिमिनेट करें, अब आप के ऊपर पाबंदी आयद है कि जिस वेरिएबल को पहले एलिमिनेट किया है उस ठीक वेरिएबल को यहाँ भी एलिमिनेट करना है। वहां पे एक्स वन एलिमिनेट कर चुके हैं वन और टू में, तो यहाँ पे भी एक्स वन को एलिमिनेट करेंगे। पिछली इक्वेशन में एक्स टू को एलिमिनेट किया तो यहाँ पे भी एक्स टू को एलिमिनेट करेंगे। पिछली इक्वेशन में एक्स थ्री को एलिमिनेट किया तो यहाँ पे भी एक्स थ्री को एलिमिनेट करेंगे। हम इस इक्वेशन में एक्स वन को एलिमिनेट कर चुके तो अब हमारे पर पाबंदी है एक्स वन को एलिमिनेट करेंगे। अगर हम एक्स टू को करते तो यहाँ पे भी एक्स टू को एलिमिनेट करेंगे। तो अब हम एक्स वन को हर हाल में एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास और कोई चांस नहीं कि एक्स टू को कर लें, एक्स थ्री को कर लें। अगर एक्स टू को एक्स थ्री को करेंगे गलत हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो सकेगी, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। एक्स वन को हम कर चुके, अब हमारे ऊपर पाबंदी है। अगर पहले एक्स टू को करते तो अब पाबंदी होती, एक्स टू को ही करेंगे। तो इस चीज को आप ख्याल रखिएगा कि इक्वेशन नंबर वन और टू में जिसको फैसला कर चुके एलिमिनेट का, उसी को इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री में आपको एलिमिनेट करना है। तो अब आप उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी फोर एक्स हो जाएगा, नीचे भी फोर एक्स हो जाएगा, तो साइन सेम हो जाएगा, वैल्यू सेम हो जाएगी। जरूरी है कि आप इक्वेशन वन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दें। इस सूरत हाल में वैल्यू बराबर होगी, साइन अलग अलग होगा, वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। इक्वेशन टू को आप माइनस फोर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स वन, तो हमारे पास हासिल होगा माइनस फोर एक्स वन, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री एक्स टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए ट्वेल्व एक्स टू, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई टू एक्स थ्री, माइनस एट एक्स थ्री होगा, सेवन मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर माइनस ट्वेंटी एट होगा। इक्वेशन थ्री अपनी जगह एज इट इज मौजूद रहेगी, फोर एक्स माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू नाइन, फोर एक्स वन माइनस का प्लस का फोर एक्स वन कैंसिल, ट्वेल्व एक्स टू माइनस टू एक्स टू इक्वल टू टेन एक्स टू, माइनस एट एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री इक्वल टू माइनस नाइन एक्स थ्री, माइनस ट्वेंटी एट प्लस नाइन इक्वल टू माइनस नाइनटीन। अब हम इक्वेशन फोर एंड फाइव को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फोर एंड फाइव को करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फोर है फोर एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू माइनस फाइव, इक्वेशन फाइव है टेन एक्स टू माइनस नाइन एक्स थ्री इक्वल टू माइनस नाइनटीन। अब हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो अगर हम इक्वेशन फोर को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू सेम हो जाएगी नाइन एक्स थ्री और नाइन एक्स थ्री, और माइनस माइनस प्लस होने की सूरत हाल में हमारे पास वैल्यू एलिमिनेट होगी। तो इक्वेशन फोर को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर एक्स टू, हमारे पास हासिल होगा माइनस नाइनटी सिक्स एक्स टू, माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स थ्री माइनस माइनस प्लस, और नाइन को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए नाइन एक्स थ्री होगा इक्वल टू, नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए फोर्टी फाइव माइनस माइनस प्लस। इक्वेशन फाइव अपनी जगह एज इट इज मौजूद रहेगी टेन एक्स टू माइनस नाइन एक्स थ्री इक्वल टू माइनस नाइनटीन, माइनस थर्टी सिक्स एक्स टू प्लस टेन एक्स टू, हमारे पास आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स टू, नाइन एक्स थ्री प्लस का और माइनस का नाइन एक्स थ्री कैंसिल, फोर्टी फाइव में से नाइनटीन माइनस कर दीजिए तो ट्वेंटी सिक्स हासिल होगा, ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस ट्वेंटी सिक्स, एक्स टू की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस वन।
अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है पुट एक्स टू इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर फोर और फाइव, आपके पास इक्वेशन फोर भी है और इक्वेशन फाइव भी है, अब आप इन दोनों में से किसी एक में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन फोर में भी पुट कर सकते हैं, फाइव में भी पुट करेंगे, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, या आपकी मर्जी है किसी एक में पुट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 4x2 minus x3 equal to minus 5, x2 की वैल्यू पुट कीजिए तो 4 multiply by minus 1 minus x3 इक्वेशन का एलपी उतरेगा equal to minus 5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए minus 4 minus x3 equal to minus 5, अब minus 4 का हम साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज आएगा, minus x3 equal to minus 5 plus 4, हमारे पास क्या बचेगी माइनस एक्स थ्री इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, सो हाल बनी एक्स थ्री इक्वल टू वन। अब हमारे पास पहली वेरिएबल की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अब हम एक एक करके बकिया दो वेरिएबल की कीमत भी मालूम कर लेंगे। पुट एक्स थ्री टू equal to minus 1 and x3 equal to 1 in question 1, 2 or 3, दो वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो गई, अब तीसरी की कर लेंगे, अब आपके पास x2 की भी वैल्यू है, x3 की भी वैल्यू है, अब आप चाहें इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में करें, इक्वेशन 3 में करें, दोनों सूरत हाल में आंसर सेम आएगा। हमने इक्वेशन ले ली x1 plus x2 plus x3 equal to 2, x1 अभी मालूम करना है इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई, x1 x2 की जगह minus 1 पुट किया, x3 की जगह 1 पुट किया equal to 2, सूत्र हाल बनी x1 minus 1 plus 1 equal to 2, x1 equal to 0 बचा equal to 2, तो x1 हमारे पास 2 आया, तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई x1, x2, x3, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है कि x1 इक्वल टू x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के मुताबिक जो है हमारे पास वैल्यू आई है सॉल्यूशन सेट में, x1 हमारे पास 2 है, x2 माइनस 1 है, x3 हमारे पास 1 है। अगर आप अभी इसको चेक करना चाहेंगे तो जो और नंबर है उनके आंसर बुक में मौजूद हैं, लेकिन हम खुद चेक करना चाहें कि आया सही है या नहीं, पेपर में बैठे हुए हैं, टेस्ट में बैठे हैं, मेरे आंसर मौजूद नहीं है, तो आप इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू बराबर है का मतलब है सॉल्यूशन दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत है, तो इसका मतलब कहीं खराबी आ गई है, कहीं मिस्टेक है, उस गलती को दुरुस्त कर लीजिए, उसको आज़ादा कर लीजिए। वैल्यू हमारे पास है x1 plus x2 plus x3 equal to, x1 की जगह वैल्यू पुट कीजिए कितनी है 2, x2 की वैल्यू क्या है माइनस 1, x3 की वैल्यू 1, तो बोथ साइड 2 में से 1 माइनस कीजिए 1, 1 में प्लस कीजिए 1 इक्वल टू 2, बोथ साइड हमारे पास 2 हैं। बाद औकात सूरत-ए-हाल ये होती है कि एक वैल्यू हमने पुट किया तो एक वैल्यू में पुट करने से पहली वैल्यू तो सही आ रही है, दूसरी और तीसरी वैल्यू का आंसर मैच नहीं आ रहा, हो सकता है इत्तेफाक से कभी कभी ऐसा हो जाता है, दो इक्वेशन में चेक कर लेंगे 100% कन्फर्म हो जाएगा। हमारे पास आखिरी इक्वेशन है 4x1 minus 2x2 minus x3 equal to 9, इसमें वैल्यू पुट की x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है minus 1, x3 की वैल्यू है 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, minus 2 multiply by minus 1, 2 आया और minus 1 equal to 9, 8 में 2 जमा किए 10, 10 में से 1 minus कीजिए 9, both side equal हैं, तो मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन दुरुस्त है।